हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर का। इसके पहले लेक्चर में हम कुछ सॉल्यूशन का बेसिक चीज पढ़े थे, हेडिंग लगा दीजिए सॉल्यूशन। तो फर्स्ट लेक्चर में हम सीखे थे सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन सॉल्यूशन होता है हमारे पास, और सॉल्यूट हमारे पास होता है लेस अमाउंट में, ये होता है हमारे पास बिगर अमाउंट में, और जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास इस चैप्टर में हमको ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस होता है हमारे पास। होमोजीनियस किसको बोलते हैं, जो यूनिफॉर्मली हर जगह सेम डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़े थे सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉल्यूशन हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। और इसमें इसके आगे हम पढ़े थे कि सॉल्यूशन के आगे हम पढ़े थे फिर कंसंट्रेशन का हम पढ़े थे, कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं ये पढ़े थे हम। फिर इससे हम पढ़े थे कि कंसंट्रेशन में भी दो टाइप होता है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और एक हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। उसमें उसमें भी डिफरेंस पढ़े थे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन कौन सा होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्या क्या होता है हमारे पास। टेम्परेचर डिपेंडेंट में वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में हमारे पास मास और वेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसके इसके बाद हम पढ़े सीख लिए थे, फर्स्ट में सीखे थे हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में, फिर सेकेंड में सीखे थे परसेंटेज वेट वाइज वॉल्यूम के बारे में, थर्ड सीखे थे हम मोलैरिटी के बारे में। अब नेक्स्ट सीखेंगे हम नॉर्मलिटी के बारे में, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं नॉर्मलिटी से। नॉर्मलिटी क्या होता है हमारे पास, तो फर्स्ट आजकल इसके लिए पहला है नॉर्मलिटी। तो इसमें नॉर्मलिटी सीखेंगे, तो नॉर्मलिटी का डेफिनेशन है हमारे पास द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे पास नॉर्मलिटी का डिफिनेशन हो गया था। नंबर ऑफ द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास नॉर्मलिटी का, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो हम ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिखेंगे हम पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको देख लीजिए द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। अब जैसे कि हम मोलैरिटी में सीखे थे, मोलैरिटी में क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, और भाई वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ लीटर को डीएल से करते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को ईक्यू से डिनोट करते हैं, और इसमें भी वही है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें भी था पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको डीएल से, तो इसको भी डीएल से,
ठीक है। अब हम इस पर सीखेंगे कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आया था हमारे पास EQ by वॉल्यूम पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम जिस प्रकार नॉर्मलिटी को हम डिनोट किए थे इक्यू बाय डीएल से, उसी प्रकार हम इसको लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को एम से डिनोट करेंगे। इक्विवेलेंट और एम डिनोट कर रहा है मास को, ठीक है। तो इसको रख कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, हम इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं वेट बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला इसे पुट कर दीजिए तो नॉर्मलिटी का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा डब्ल्यू बाय इक्विवेलेंट मास इनटू पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये एक नया फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे सीखेंगे इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। जैसे इस पे सीखे थे हम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उस पर आज से सीखेंगे इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो ऊपर हम रख कर देते हैं, अब नेक्स्ट हम सीखते हैं इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास का हमारे पास होता है फॉर्मूला मोलर मास बाय एन फैक्टर और फिर अब इसको हम डिनोट करते हैं मोलर मास को एम नॉट से और एन फैक्टर को डिनोट करते हैं एन एफ से, ठीक है। अब हम देखिए हम इसको रख कर देते हैं, नया फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट मास का। इक्विवेलेंट मास होता है हमारे पास मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास को डिनोट करते हैं एम नॉट से और एन फैक्टर को डिनोट करते हैं एन एफ से। तो अब इक्विवेलेंट मास को हम इसे पुट कर देते हैं इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला है हमारे पास, तो हमारे पास नॉर्मलिटी का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट मास का क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा पूरा। तो एम नॉट बाय एन एफ, तो एन एफ ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो नीचे आ गया एम नॉट इंटू बी एल, ठीक है। अब ये हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया। अब इसको अच्छा से देख लीजिए, हमारे पास नॉर्मलिटी का तीन फॉर्मूला आ गया। अब इसमें भी हम सीखेंगे एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे एन फैक्टर बहुत सारे का होता है, एसिड का होता है, बेस का होता है, ऑक्सीडेशन के लिए अलग से निकालते हैं, रिडक्शन के लिए भी अलग से निकालते हैं, ठीक है। तो वही सीखेंगे एन फैक्टर एसिड के लिए कैसे निकालते हैं, बेस के लिए कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए कैसे निकालते हैं, रिडक्शन के लिए कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं एन फैक्टर को कैसे निकालते हैं इन वेरियस केसेस। तो फर्स्ट केस ले रहे हैं इन केस ऑफ एसिड ठीक है। इन केस ऑफ एसिड में तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास ये 11, मतलब ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि जितना एच प्लस आयन ये डोनेट करेगा एसिड वही हमारे पास एन फैक्टर होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल मान लीजिए हम लिए हैं HCl,
HCl हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड है हमारे पास, तो HCl हमारे पास ब्रेक करता है, और ये जो होता है हमारे पास जो एसिड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तो इसको हम एक्वस में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली अगर ब्रेक कर रहा है तो एच प्लस प्लस सीएल माइनस, ठीक है। तो एसिड केस में, एसिड का केस में हमारे पास क्या होता है, जितना एच प्लस आया वो डोनेट करे या फिर लीच करे, वो हमारे पास एन फैक्टर होता है एसिड के केस में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एच प्लस आए कितने हैं, एक है, तो इसमें एन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। अब हम इसी पर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं H2SO4 ले रहे हैं, H2SO4 भी हमारे पास एसिड है, एक्वस एक्वस में ले रहे हैं इसको H2SO4 को, तो ये अगर ब्रेक करेगा तो ये हमारे पास ब्रेक करेगा 2H+ SO4 2- में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, SO4 है, SO4 ये बैलेंस है हमारे पास, तो देखिए वहां पे कितने H+ दे रहा है, H+ हमारे पास दो है, तो N फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, दो, ठीक है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं बेस के लिए, नहीं इस पे एक और कर लेते हैं, H2SO4 का अभी किया ना, तो H2SO4 है, H2SO4 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, H प्लस प्लस एच एस ओ फोर माइनस, ठीक है। अब हम इसको H2SO4 को इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमारे पास सीधा ही पूछ लिया कि H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा, तो H2SO4 का एन फैक्टर अगर सिर्फ पूछा तो 2 होगा, ठीक है। और लेकिन हमको ये इक्वेशन दे दिया और इसमें पूछ रहा है कि एन फैक्टर क्या होगा, इस पे हमको एन फैक्टर हमारा हो जाएगा 1, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछेगा कि H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा, तो ये होगा, ये कभी नहीं होगा, ये हमारे पास सिर्फ यही केस में होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट करते हैं सेकेंड, इन केस ऑफ बेस, इन केस ऑफ बेस, तो जिस प्रकार आप देखे थे इससे पहले एसिड के लिए उसी तरह सेम इसमें भी है, लेकिन एसिड में क्या था एच प्लस आया, तो इसमें इसमें हमारे पास उल्टा हो जाएगा OH- आयन, मतलब द नंबर ऑफ OH- आयन गिवन बाय बेस, मतलब जितना नंबर ऑफ OH- आयन बेस देता है वही हमारे पास एन फैक्टर होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए NaOH हम ले रहे, ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे ब्रेक करेगा, Na+ + OH-, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास OH- माइनस आयन दे रहा है हमारे पास, तो ये हमारा बेस ही है, ठीक है। तो कितना दे रहा है OH- माइनस आयन, तो एक दे रहा है, इसका एन फैक्टर क्या है हमारे पास 1। इसी प्रकार किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर साइन, इन केस ऑफ साइन, इसके पहले हम एसिड और बेस के लिए सीख चुके हैं, अब इन केस ऑफ साइन में देखते हैं। तो इसका एक डिफिनेशन है, सिंपल सा डिफिनेशन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ या फिर द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, जो टोटल मैग्नीट्यूड आता है हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का, वही हम दोनों में से एक ही लेंगे, या फिर पॉजिटिव का लेंगे या फिर नेगेटिव का लेंगे, ठीक है ना। तो वही हमारे पास इन केस ऑफ साल्ट के लिए एन फैक्टर होता है। तो साल्ट में सिंपल सा ले लीजिए, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं NaCl, सबसे साधारण साल्ट का एग्जाम्पल है, तो ये हमारे पास ब्रेक करेगा Na+ + Cl-। तो देखिए इन केस ऑफ साल्ट में टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो दोनों में से या तो इसको, तो दोनों तो सेम ही है, एक मतलब कॉमन है दोनों में, एक ही प्लस है एक ही माइनस है, तो हम किसी को भी लेंगे तो एन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा 1,
ठीक है। तो इन केस ऑफ साल भी है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ऊपर आप कर लेते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। साल भी है Na2CO3। तो Na2CO3 में हम इसका देखते हैं, इसका n फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, n फैक्टर 2 आएगा। कैसे? ये हमारे पास CO3 क्या रहता है, 2-, और Na किस पे टूटता है, अभी देखे थे हम, Na प्लस पे टूटता है, और यहाँ पे कितने हैं, Na 2 है, तो ये 2 देगा, तो 2 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए n फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। और हमको क्या लिखना है मैग्नीट्यूड में, तो प्लस में या माइनस में हमारे पास हमारा हमेशा 2 आएगा, या फिर जो भी है वही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड, इसका थर्ड पार्ट। इन केस ऑफ सॉरी इसका फोर्थ पार्ट होगा। फर्स्ट में किए थे एसिड के लिए, सेकेंड में किए थे बेस के लिए, थर्ड में किए थे वो साल के लिए, अब फिफ्थ में करेंगे, फोर्थ में करेंगे हम इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। तो इसपे तो इसका हमारे पास डिफिनेशन होता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जितना टोटल जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है हमारे पास, वही हमारे पास एन फैक्टर होगा। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज हुआ है वो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, तो इसका एन फैक्टर हमारे पास हो जाएगा 2। तो इसी तरह एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम Ca-4। तो इन केस ऑफ एसिड के लिए, तो एसिड में H+ होता है हमारे पास, तो इन केस ऑफ एसिड तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा Mn2+ में, ठीक है। इन केस ऑफ एसिड में Mn2+ में चेंज हो जाएगा। तो अब इस पे हमको कैलकुलेट करना है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो अभी सीखे थे कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज में होता है, ठीक है, तो ये +1 देगा, और ये होता है हमारे पास -2 में, और ये कितने बार ऑक्सीजन हमारे पास 4 बार, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। ये +1 चार्ज पे, ये -8 है, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा चार्ज +7, ठीक है। और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, कितना हुआ है, यहाँ पे +7 है, यहाँ +2 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हुआ है वो 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ हमारे पास। तो इसका एन फैक्टर हमारे पास सिंपल हो जाएगा 5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इन केस ऑफ बेस, इसमें देखते थे एसिड में, अब बेस डिफरेंस, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं फॉर बेस के लिए। इन केस ऑफ बेस, तो बेस में हम फिर ले रहे हैं KMnO4, KMnO4, और इन केस ऑफ बेस, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा K2MnO4, ठीक है, K2MnO4 आ जाएगा हमारे पास इन केस ऑफ बेस में। और यही हमारे पास एसिड में था, तो हमारे पास Mn2+ आ रहा, ठीक है। अब हम इस पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें हम अभी निकाले थे +1 होता है, -8 है, यहाँ पे +7 आ रहा था। अब इस पे देखते हैं, यहाँ पे एक था, सिर्फ सिंगल के था, यहाँ पे +1 चार आ रहा है, यहाँ पे 2 के हैं जिससे +2 आ जाएगा, और इसपे क्या आ जाएगा -8, ठीक है, +2 और -8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +6। तो अब इसपे देखिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पास 1, और इससे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ था इन केस ऑफ एसिड में, एसिड में हमारे पास हुआ था 5। अब हम इन केस ऑफ न्यूट्रल देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं बेस एसिड और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास MnO2, ठीक है, जैसे हमारे पास आया था बेस में K2MnO4, एसिड में आया था Mn2, अब बेस में आ गया हमारे पास MnO2, सॉरी न्यूट्रल में आ गया हमारे पास MnO2,
अब हम देखते हैं इसमें कि इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए ये कितने में रहता है, माइनस टू चार्ज में रहता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन दो बार है तो ये हो जाएगा माइनस फोर, तो ये हो जाएगा प्लस फोर, प्लस फोर हो जाएगा ये हमारे पास, यहाँ पे कितना है प्लस सेवन, तो कितना ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पास प्लस सेवन प्लस थ्री प्लस फोर, तो थ्री हो जाएगा, तो इसका एन फैक्टर हमारे पास हो जाएगा थ्री। ये कभी कभी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ देता है हमारे पास कि KMnO4 में बेस में हमारे पास बेस का एन फैक्टर क्या होगा, या फिर एसिड का क्या होगा, या फिर न्यूट्रल का क्या होगा, तो अगर ये याद रखे तो अच्छा है, नहीं तो फिर निकालना पड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी सीख लेते हैं नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ठीक है। अब हम इसको रिलेट करते हैं मोलारिटी से, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी, तो दोनों के रिलेशन हम सीखेंगे कि दोनों के रिलेशन क्या है। ठीक है, अब देखते हैं, हम फर्स्ट देखते हैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो इक्यू से रिलेट कर रहे थे इसको, और नीचे में हमारे पास क्या था, तो नीचे में वॉल्यूम ऑफ लीटर। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वेट बाय इक्विवेलेंट मास, वेट बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हमारे पास था, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला था हमारे पास m नॉट बाय n फैक्टर, तो n फैक्टर ऊपर आ जाएगा और m नॉट नीचे रह जाएगा हमारे पास, और वॉल्यूम ऑफ लीटर बच जाएगा। ठीक है, ये लास्ट फॉर्मूला हमारे पास आया था। अब इसको हम रिलेट करते हैं मोलारिटी से, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सॉल्यूशन को vl से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का क्या था फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास को w से डिनोट करते हैं, और मोलर मास को m नॉट से इनटू vl। तो देखिए इसमें हम रिलेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इस ये पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं मोलारिटी, देखिए मोलारिटी का था w by m नॉट इनटू vl, यहाँ पे भी w by m नॉट इनटू vl, तो एक नॉर्मेलिटी का रिलेशन आ गया मोलारिटी में, तो ये नया फॉर्मूला आ गया नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा, तो हमारे पास नया रिलेशन आ गया नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में नया रिलेशन आ गया हमारे पास, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नॉर्मेलिटी के चार फॉर्मूला हो गया, एक नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू था हमारे पास इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये सेकेंड फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास ये है, सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास का था हमारे पास वेट बाय em इनटू वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सॉल्यूशन, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास नॉर्मेलिटी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एन फैक्टर बाई एम नॉट इंटू वॉल्यूम ऑफ लीटर, तीसरा फॉर्मूला हो गया हमारे पास ये, और हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, ये चारों फॉर्मूला को अच्छा से देख लीजिए, इन चारों का यूज है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम नॉर्मेलिटी के बारे में सीखे थे, तो उससे रिलेटेड अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है डेसी मोलर सॉल्यूशन H2SO4 प्लस H2O इज प्रिपेयर्ड, देन फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करना है, क्या क्या दिया हमारे पास डेसी मोलर, ये डेसी मोलर हमारे पास नॉर्मेलिटी दिया होगा, तो हम डेसी मोलर, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं सॉल्यूशन, तो डेसी मोलर, तो डेसी मोलर का होता है हमारे पास 10^-1, और इसको हम लिख सकते हैं 1/10। ठीक है,
हमको देखना है इसमें प्रिपेयर देन फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है वो भी लिख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास सॉल्यूट है H2SO4 और सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर, ठीक है वाटर। और अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास नॉर्मेलिटी, अभी हम तुरंत सीखे थे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन। तो हमारे पास नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। हमारे पास क्या क्या गिवन है, सिर्फ मोलैरिटी गिवन है, एन फैक्टर हमको निकालना है। तो एन फैक्टर निकाल लेते हैं, अभी H2SO4 का भी एन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो चलिए एन पे निकाल लेते हैं फिर से H2SO4। तो H2SO4 हमारे पास ब्रेक करता है 2H+SO4 2- SO4 2- में। तो इसका एन फैक्टर हमारे पास कितना आ गया, 2, ठीक है। अभी हम बताए थे कि H2SO4 का ही पूछेगा तो एन फैक्टर 2 आ जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन दे दिया जैसे H2SO4 गिव्स H+ HSO4-, तो इसमें एन फैक्टर हमारे पास 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है तो एन फैक्टर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सब गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मोलैरिटी 1/10 एन फैक्टर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/5 0.2, इसका हमारे पास 0.2 आ गया, ठीक है। और इसका हमारे पास नॉर्मेलिटी का हम लिख सकते हैं 0.2 नॉर्मल, इसका यूनिट होता है 0.2 नॉर्मल, ठीक है। इसको अच्छा से देख लीजिए। अब नेक्स्ट चलिए तो चलिए फ्रेंड्स अभी नॉर्मेलिटी सीखे, अब सेकेंड सीखते हैं हम फॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और हमारे फॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ होल मोल, नंबर ऑफ फोर मोल। इसमें फोर हमारे पास क्या डिनोट करता है, फॉर्मेलिटी को, ठीक है। अब हम जैसे अभी सीखे थे इससे पहले नॉर्मेलिटी सीख लिए, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी में हमारे पास था नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स था और नॉर्मेलिटी में था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो उसी प्रकार इसमें भी हमारे पास सारा का तीनों का डिफिनेशन सब सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ फोर मोल्स है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सब सेम है, तो ये सब पूरा डिफिनेशन देखते हैं। तो इसमें होता है हमारे पास नंबर ऑफ फोर मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल फॉर्मेलिटी। तो इसका इससे हम फॉर्मूला इसको डिराइव करते हैं, फॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो इससे एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ऊपर में आ जाएगा नंबर ऑफ फोर मोल्स, नंबर ऑफ फोर मोल्स बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इसका हमारे पास हो गया नंबर ऑफ फोर मोल्स, नंबर ऑफ फोर मोल्स को हम डिनोट करेंगे Fn, कैपिटल, ये हमारे पास कैपिटल F है और ये हमारे पास स्मॉल F है, और पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम डिनोट करते हैं Vl से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तो चलिए फिर इसके आगे हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इसमें हमारे पास फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आया था नंबर ऑफ फोर मोल्स, तो नंबर ऑफ दोस फोर मोल को Fn से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सॉल्यूशन को Vl से डिनोट करते हैं। इसका नेक्स्ट हम देखते हैं कि नंबर ऑफ फोर मोल्स का फॉर्मूला क्या है। तो नंबर ऑफ फोर मोल्स का फॉर्मूला है हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट,
का मास। तो इसको हम वेट ऑफ सॉल्यूट को डिनोट करते हैं W से और फॉर्मूला मास को हम FM से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस पे हम इसको पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला का हो जाएगा W बाय फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सॉल्यूशन। तो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास बन गया ये फॉर्मेलिटी का, इसको लिख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सीखते हैं रिलेशन बिटवीन मोरलिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो थोड़ा वीडियो का दिन लंबा होता है इसलिए उसको पहले से ही लिख लें। अब हमारे पास फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये था। अब फॉर्मूल्स के लिए हम लिखते हैं वेट बाय फॉर्मूला मास, वेट बाय फॉर्मूला मास वही लिखे हैं यहाँ पे। और फिर हम फॉर्मूला मास को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास को हम बोलते हैं मोलर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व उसी को हम यहाँ पे लिखे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व ओबी। ठीक है, अब इसका ये नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला था हमारे पास ये। ठीक है, मोलैरिटी का देखे थे फॉर्मूला, तो आप देखिए इसका रिलेशन निकाल रहे हैं। तो फॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, W बाय मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व इनटू BL बाय W बाय मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल। ये हमारे पास जो आ रहा है मॉलिक्यूलर मास, ये जो आ रहा है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास वो थ्योरेटिकल होता है और ये हमारे पास ऑब्जर्व होता है। हम जो रिएक्शन करते हैं उसमें हम देखते हैं क्या आ रहा है, जो ऑब्जर्व करते हैं वही होता है। इसको आप लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड में, ये आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ से W से W कैंसल, BL से BL कैंसल। अब ये मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल ये ऊपर चला जाएगा और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये जो रिलेशन हमारे पास आया है अभी मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास फॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। इसी को हम बैंड ऑफ फैक्टर बोलते हैं, बैंड ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं, बैंड ऑफ फैक्टर। कोई भी कंपाउंड का जब रेशियो आ रहा है थ्योरेटिकल मास बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास तो उसको हम बोलते हैं बैंड ऑफ फैक्टर। ठीक है ना, बैंड ऑफ फैक्टर ये चैप्टर का बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अलग से देखेंगे। इस पे हमारे पास रिलेशन आ गया ये। ठीक है, और ये बैंड ऑफ फैक्टर के बराबर आ गया। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स।